अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोगों ने जो अब टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एक्यूट किडनी इंजरी, और आपके पूरी नेफ्रोलॉजी मेडिसिन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है वो एक आपका एक्यूट किडनी इंजरी और एक आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी जिसको कहते हैं, क्योंकि बेशतर पेशेंट्स आपके पास इन चीजों के साथ प्रेजेंट करेंगे। और आपको पता है कि एक्यूट किडनी इंजरी किसी डिजीज का नाम नहीं हो सकता, डेफिनेट सी बात है इसका कोई ना कोई कॉज होगा, कोई डिजीज इसका कॉज होगी। जैसे एक्यूट किडनी इंजरी कैन बी सेकेंडरी टू रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, कैन बी सेकेंडरी टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो डेफिनेट सी बात है कि ये खुद कॉज नहीं, ये एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर बहुत सारी डिजीजेज आ जाती हैं। तो जब आपके पास इसका सिनेरियो आता है ना, तो वो डेफिनेट सी बात है किसी सेकेंडरी डिजीज के साथ एसोसिएटेड आता है, और पेशेंट उस वक्त एक्यूटली प्रेजेंट कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी सेकेंडरी टू प्री रीनल, रीनल या पोस्ट रीनल कॉज, इतना हमने जरूर बताना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आता है, ये थोड़ा सा समझ के आपने अच्छे से कर लेना इसको, है बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे ना डेविडसन में, तो डेविडसन में उन्ने चले पहले मैं जरा से इसको डिस्कस कर लेती हूँ, मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या लिखा है और आप किस तरह करें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब होता है, कभी भी आपसे ऐसे डेफिनेशन भी ये बहुत पूछते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीकेडी, बहुत पूछते हैं आपसे। तो एक्यूट किडनी इंजरी के डेफिनेशन में आपने हमेशा कहना होता है कि इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज सडन एंड रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। ये आपने जरूर दो लफ्ज कहने कि सडन होगा, क्योंकि हम एक्यूट की बात करें एंड रिवर्सिबल होगा, जब आप क्रॉनिक की बात करते हैं वहां इररिवर्सिबल आते हैं। तो ये अगर आप नहीं बोलेंगे लफ्ज तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो सडन रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, और जाहिर सी बात है सडन का मतलब है कि डेज और वीक्स में डेवलप हुआ होगा, और डेफिनेट सी बात है कि ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, एंड दैट इज एकम्पनीड बाय रिडक्शन इन यूरिन वॉल्यूम। इसके साथ पेशेंट्स को हमेशा ओलिग्यूरिया होता है, ठीक है, रिडक्शन इन यूरिन वॉल्यूम। अगर आपके पास सिनेरियो भी ऐसा होता है ना कि पेशेंट कहते हैं कि उसको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई हुई है मैच्योरेशन की, तो वो एक्यूट किडनी इंजरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कोई भी एक ऐसी डिजीज नहीं आती जिसमें यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, सब में डिक्रीज ही होती है, ओलिग्यूरिया होता है, एंड दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन यूरिया क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड लेवल्स इन सीरम, डेफिनेट सी बात है इसमें। ठीक है, कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सीरम में इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये डेफिनेशन आपने पूरी बोलनी है, जिसमें सडन रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन विद डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ब्लड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक्यूट किडनी इंजरी के हम तीन मेन बात कहते हैं कि कॉजेज हो सकती है। एक्यूट किडनी इंजरी की प्री रीनल कॉजेज हो सकती है, यानी कि किडनी से पहले जो मसला है, फिर रीनल कॉजेज किडनी के अपने अंदर कोई ना कोई डिजीज थी जिसकी वजह से आपकी एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, और फिर किडनी के बाद आगे कोई मसला था जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हुई है। ये सारी बातें आपने गौर से सुनी है, क्योंकि जब आपके पास सिनेरियो में वो आपसे देते हैं तो आपसे वो पूछते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी का डायग्नोसिस बताने के बाद आप साथ बताएं कि इट इज सेकेंडरी टू प्री रीनल, रीनल या पोस्ट रीनल। ठीक है, अच्छा, देखिए प्री रीनल कॉज में जब भी प्री रीनल का मतलब है कि किडनी ठीक है और किडनी से पहले कोई मसला है, तो किडनी से पहले मसला क्या होता है, किडनी के पास एक ही चीज आती है और वो आता है ब्लड। ब्लड सप्लाई जब तक किडनी को ठीक रहेगी तब तक किडनी फंक्शन ठीक करती रहेगी, जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुए, फंक्शन खराब हो गया, तो वेन एवर देयर इज डिक्रीज इन परफ्यूजन टू द किडनी, ठीक है, तो तब आपके पास होते हैं एक्यूट किडनी इंजरी सेकेंडरी टू प्री रीनल कॉज। अब डिक्रीज परफ्यूजन किस तरह से हो सकती है, आपने क्योंकि ये लिखनी होती है बातें तो इसको आसानी से याद रखने के लिए आप याद रखेंगे, कुछ लोकल कॉजेज हो सकते हैं जो कि परफ्यूजन को डिक्रीज कर सकते हैं, कुछ सिस्टेमिक कॉजेज हो सकते हैं। कॉमन चीजों से शुरू किया करें, हमेशा बच्चे कहते थे वाइवा में पूछा सबसे पहले कहते रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कॉमन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कॉमन कॉजेज हमारे पास प्रेजेंट है। सबसे कॉमन कॉज है डिहाइड्रेशन, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग है, बच्चे को बड़ा बंदा है या उसे प्रोलॉन्ग डायरिया लगा हुआ है काफी अरसे से, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि हाइपोवोलीमिया होगा। हाइपोवोलीमिया जब टोटल ब्लड का वॉल्यूम ही कम होगा तो किडनी की परफ्यूजन डिक्रीज होगी और पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप हो सकती है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन प्रोलॉन्ग होती है तो अक्सर पेशेंट्स को एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप हो जाती है। उसके साथ उनके और फीचर्स भी होंगे हाइपोवोलीमिया वाले, लेकिन एक चीज ये भी होगी, ठीक है, तो लोकल कॉजेज में मोस्ट कॉमन ये वाला होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाए ना, उसके बाद फिर आपका ब्लड लॉस, कोई ट्रॉमा की वजह से ब्लड लॉस हुआ है, या बॉडी के अंदर कहीं पर हो सकता है कोई आपकी जीआई मैलिग्नेंसी है, या कोई पेप्टिक अल्सर है, या कोई आपकी फीमेल्स में हो सकता है कोई यूट्राइन ब्लीड है, ऐसी ब्लीड जिसका पता नहीं चल रहा, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्लड लॉस करिए, पेशेंट एनीमिक भी हो गए और उसकी परफ्यूजन टू द किडनी भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से उसका एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप हुआ है। नॉर्मली एक्यूट किडनी इंजरी इससे डेवलप नहीं हो सकता कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस हो, इसका मतलब ये होता है कि कोई मैसिव हेमरेज, जैसे आपके हेमाटेमिसिस हुआ एकदम से ड्यू टू वेरिसियल ब्लीड, एसोफेजियल वेरिसेस रप्चर हुए, तो आपका हाइपोवोलीमिया एंड एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है। तो ये सारी की सारी होती है आपकी जो सिस्टेमिक कॉजेज या फिर कॉमन सी, ये सिस्टेमिक कॉजेज नहीं आते जो कॉमन है। देन उसके बाद आपका यही सिस्टेमिक नहीं आ सकते कार्डिक फेलियर, कि हार्ट पंप ही नहीं कर रहा ब्लड को, ब्लड वॉल्यूम ठीक है, हार्ट पंप नहीं कर रहा तो आगे नहीं जा रहा, ठीक है, आगे नहीं जाएगा तो ज़ाहिर किडनी को परफ्यूज देगा, तो कार्डिक फेलियर आ गई।
उसके बाद सेप्सिस, आपको सेप्टिक शॉक का लफ्ज आपने सुना होगा, उसमें हम कहते हैं कि पूरी बॉडी में जब बैक्टीरिया हो जाता है तो पूरी बॉडी में एक डिक्रीज परफ्यूजन की स्टेट होती है और सेप्टिक शॉक या सेप्सिस में ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गए सारे आपके सिस्टेमिक कॉजेज अभी तक हमने किए थे, डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलीमिया जो हो गया आपका, सेकेंडरी टू ब्लड लॉस, कार्डिक फेलियर, सेप्टिक शॉक। लोकल कॉजेज क्या हो सकते हैं कि आपके पास ओवरऑल मसला नहीं है लेकिन किडनी की जो आर्टरी है उसमें मसला आ गया, तो जिसमें आपके वेस्कुलर कॉजेज आ सकते हैं। वेस्कुलर कॉजेज में हो सकते हैं कि कोई वेस्कुलाइटिस ऐसा है जिसने पर्टिकुलरली रीनल आर्टरी को भी इन्वॉल्व किया हुआ है और स्टीनोसिस हो गया और रीनल आर्टरी परफ्यूज नहीं हो रही, तो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के जितने भी कॉजेज हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी रीनल आर्टरी स्टीनोसिस के वेस्कुलर ऑक्लूजन के कॉजेज हैं जी। अब इसमें क्या होता है, यहीं पर आप थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसको शुरू किया हुआ सारे कॉजेज के बाद आपने याद रखने हैं कॉजेज, ये पूछते हैं आपसे इसमें से, इस पूरी वीडियो में या इस पूरे टॉपिक में कोई भी चीज अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जहन में रखना। अच्छा, प्रीनेटल कॉज में हमारे पास जो भी मसला हुआ ये कि आके किडनी की परफ्यूजन कम हो गई। ठीक है, किडनी की परफ्यूजन जब नहीं होती, ब्लड सप्लाई किडनी को नॉर्मल नहीं मिलती, तो ऐसा ऐसा क्या होती है कि सेलुलर अंदर सारा का सारा एरिया, सारे एरिया को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब कुछ चाहिए होता है किडनी को, जब नहीं मिलता तो ऐसा ऐसा अंदर डेथ ऑफ द सेल्स शुरू हो जाती है। डेथ ऑफ द सेल्स जब शुरू होती है, नेक्रोसिस ऑफ द सेल्स, उसको हम कहते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ATN। ठीक है, तो तीन टर्म्स होती है हमारे पास यहाँ पर। आपको पता है कि किडनी के स्ट्रक्चर में एक तो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, ठीक है, एक आपके पास ये पूरा ट्यूबुलर सिस्टम है, ये गोमेंस कैप्सूल से लेकर ये वाला, ठीक है, और ये सारा का सारा जिस जगह पर पड़ा हुआ है उसके, मतलब जिस जो इसके आसपास है वो सब इंटरस्टीशियम है। तो अगर आपके पास डिक्रीज ऑफ ब्लड की वजह से ये जो ट्यूब्यूल्स के सेल हैं इनमें नेक्रोसिस होने लग जाए, ये डेथ होने लग जाएंगी, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये ट्यूब्यूल्स डिस्ट्रॉय होंगी और जो सेल्स हैं ये ल्यूमिन में आगे गिरने लग जाएंगे। अगर ये मेरे पास सपोज करें ना रीनल ट्यूब्यूल है और यहाँ पर से सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाई हो रहे हैं, वो आके ट्यूब्यूल के ल्यूमिन में गिर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ल्यूमिन ऑब्स्ट्रक्ट होता जाएगा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूबुलर ल्यूमिन भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ डिक्रीज ऑफ रीनल फंक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एक तो हो सकता है, इसको हम कहते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ATN। दूसरी बात यहाँ पर ये भी हो सकती है कि आपका जो इंटरस्टीशियम है ब्लड सप्लाई, तो उसको भी चाहिए थी और नहीं मिल रही, उसमें एडिमा और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है जब भी डिक्रीज ब्लड सप्लाई होती है किसी एरिया में, सबसे पहले किसी भी एरिया में इंजरी होगी तो इन्फ्लेमेशन शुरू होगी, तो इन्फ्लेमेशन जो शुरू होती है उसकी इन्फ्लेमेटरी सारे के सारा जो मार्कर्स हैं, जो वहां पर एडिमा हो रहा है, जो फ्लूड आके इकट्ठा हो रहा है, वो सब इंटरस्टीशियम में होता है, तो उसकी वजह से जो आपकी कंडीशन होती है उसके कहते हैं एक्यूट इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस, AIN। तो ये आपने याद रखनी है टर्म्स को, ठीक है, AIN इज एक्यूट इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस, ATN इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस मोस्ट प्रॉब्ली ना हमारे पास हो रहा होता है, अब मैं आपको आगे बताऊंगी जो रीनल कॉजेज होती है ड्रग्स की वजह से। जब ड्रग्स आपकी कोई ऐसी होती है जो रीनल टॉक्सिक होती है, आपको पता है बहुत सारी ड्रग्स हैं, कुछ हेपेटोटॉक्सिक है, कुछ रीनल टॉक्सिसिटी करती है, तो ऐसी ड्रग अगर आप ले लें जिसमें एनसेड्स भी हैं जो किडनी के लिए टॉक्सिक होती है, तो क्या होगा कि आपकी किडनी में पहले सबसे वो आकर इंटरस्टीशियल एडिमा करेंगी। इंटरस्टीशियल एडिमा और इन्फ्लेमेशन जब होती है उसके रिजल्ट में अंदर वाली ट्यूब्यूल्स कंप्रेस होती है, उसको हम कहते हैं एक्यूट इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस, और फिर ये कंडीशन प्रोग्रेस करती है। तो बहरहाल बताना ये था कि डिक्रीज ऑफ परफ्यूजन की वजह से क्या होगा कि आपके पास अंदर के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है ट्यूब्यूल्स ब्लॉक हो जाए, डिक्रीज ऑफ रीनल फंक्शन हो जाएगा, पेशेंट को यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो जाएगा, नजर आ रहा है कि ब्लड ही किडनी की तरफ नहीं आ रहा, तो यूरिन कहां से बने, GFR कम हो जाता है। अच्छा, अब इस चीज को हमारी बॉडी कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करती है, जब आपको पता है किडनी में जब भी हाइपोवोलीमिया होता है तो रेनिनजियोटेंसिन सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और मजीद वेजोडायलेटर्स भी आ जाते हैं, जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 है और कोई है, ताकि ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखने की कोशिश करें, लेकिन वो पेरिफेरल एरियाज में अगर एक्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर वो रिलीज तो ब्लड में होंगे ना, और हो सकता है थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज हो और वो जाके आपके पेरिफेरीज में वेसल्स में भी एक्ट करे, तो पेरिफेरल वेजोडायलेशन हो जाए, पेरिफेरल वेजोडायलेशन होगी, ब्लड की पूलिंग वहां हो जाएगी, मजीद किडनी को ब्लड रिड्यूस हो जाता है, रेनिनजियोटेंसिन सिस्टम मजीद वेसो कंस्ट्रक्शन कर देंगे, हो सकता है और ब्लड रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये कॉज भी डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम कितना किस तरह का रिस्पॉन्ड देगा, लेकिन नॉर्मली ठीक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पर सारा जो सिलसिला आ गया। अब आपके पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा, यहाँ पर ये बात भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि आपके पास जब भी प्रॉब्लम डिक्रीज ऑफ परफ्यूजन होगी, उसके मोस्ट कॉमन जो हमें कॉजेज मिल रही है, एक तो लोकल कॉज है ना कि रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हो गया या और कोई ऐसा मसला हो गया, उसको अगर रीनल आर्टरी स्टीनोसिस और वैस्कुलर कॉज को निकाल के बाकी सारी जो कॉजेज हैं उनमें पेशेंट के अंदर हाइपोवोलीमिया वाले फीचर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ पेशेंट की हमेशा क्या होता है कि आपका पेशेंट टैकीकार्डिया होगा, उसका हार्ट रेट तेज होगी। जनरली हाइपोवोलीमिया में क्या होता है, जब आपके वाइटल ऑर्गन्स परफ्यूज नहीं हो पा रहे होते तो ब्लड हार्ट अपना रेट तेज कर लेता है ताकि मैं जल्दी जल्दी उन ऑर्गन्स को ब्लड पर सप्लाई करूं, उसे टैकीकार्डिया हो जाता है और बीपी डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो रहा होता है क्योंकि आपकी परफ्यूजन हो नहीं पा रही होती। ठीक है, तो बहरहाल टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को हाइपोवोलीमिया के फीचर आएंगे, उसको हो सकता है वॉमिटिंग हो रही हो। ठीक है, वॉमिटिंग, नोजिया हो सकता है और ये अक्सर होता है और ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर प्रेजेंट भी करता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आपके पास पेशेंट का वेट बहुत डिक्रीज होगा, आप उसकी ओरल कैविटी को देखेंगे तो बहुत ड्राई होगी, स्किन ड्राई होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगी, और जो आपकी बाकी डिहाइड्रेशन के चेंजेस हैं वो भी नजर आ रहे हैं कि स्किन टर्गर खत्म हो गया है, सनकन आइज हैं, एंड देन उसके बाद जेवीपी नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जेवीपी बनती है जब राइट हार्ट में प्रेशर हो, तो इतना ब्लड का वॉल्यूम कम है तो जेवीपी कहां से बनेगी। ये सारी होती है इसके पेशेंट के प्रेजेंटिंग फीचर्स। तो आपके पास बहुत कॉमनली आता है कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू विद अ कंप्लेन ऑफ वॉमिटिंग फॉर द लास्ट 2 डेज, और उसके साथ ऑल्टर्ड मेंटल कॉन्शियसनेस हो गई है, उसकी क्लाउडनेस है, उसे कॉन्शियसनेस में सही से कॉन्शियस नहीं है, और उसने एक दिन से यूरिन भी नहीं किया, और साथ उसकी फेशियल पफनेस है, स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट है। अब देखें इसमें पिक्चर कहां जा रही है, यूरिन उसने नहीं किया, इसका मतलब उसे ओलिग्यूरिया है। यहां पर आपने सिनेरियो बहुत मिक्स लगता है आपको, आपने खुद सोचना है, ठीक है। अच्छा, यूरिन उसने नहीं किया उसको, आपको इसका मतलब ओलिग्यूरिया है, उसको एडिमा डेवलप हो रहा है फेस का, हैंड्स का, फीट का, जो कि एक फीचर हो सकता है किडनी डिजीज का, ठीक है। उसके साथ वो कहते हैं कि उसको वॉमिटिंग भी हो रही है और क्लाउडनेस है कॉन्शियसनेस की, यानी कि उसको सही समझ भी नहीं आ रहा, यानी कि उसकी ब्रेन की परफ्यूजन भी कम है, तभी क्लाउडनेस कॉन्शियसनेस की हुई ना, और उसको वॉमिटिंग मुसलसल हो रही है, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो सकती है उसे, ठीक है। उसके बाद ऑन एग्जामिनेशन वो कहते हैं कि उसका जो क्रिएटिनिन था, क्रिएटिनिन ब्लड का, वो बढ़ा हुआ है, उसका ब्लड का पोटेशियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और उसके साथ उसका यही वाली दो चीजें हाँ उन्होंने बता दी सपोज आपको, ठीक है, और बीपी डिक्रीज्ड है। तो अब आपके पास ये तो बात आ गई कि एक्यूट किडनी इंजरी हुई है कोई पेशेंट को, जिसके साथ पेशेंट सडन ओलिग्यूरिया, एक दिन की हिस्ट्री है ना, एक दिन की हिस्ट्री में ओलिग्यूरिया के साथ और इस तरह के साथ प्रेजेंट किया, लेकिन अब वो प्री रीनल, रीनल या पोस्ट रीनल में से कौन सी है, तो अब आप खुद देखेंगे उसको वॉमिटिंग है मुस्तकिल, और उसके साथ साथ वॉमिटिंग के साथ उन्हें क्या ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस है, जिसका मतलब है ब्रेन की परफ्यूजन कम है। इसका मतलब ये है कि उसका बीपी डिक्रीज है, टेकिकार्डिया, ये सारे साइंस किस तरफ जाते हैं, प्री रीनल की तरफ। रीनल में बीपी डिक्रीज तो टेकिकार्डिया नहीं होता, तो ये आपका हो जाता है प्री रीनल कॉज की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होना, ठीक है। तो इस तरह आपने चीजों को स्ट्रेटिफाई करना है, ये चीजों पर मैं जरा टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि आपको ये इसी तरह से समझ में आएगी, सिनेरियो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि भाई इस पेशेंट में बीच में कौन कौन सी चीजें वो किस साइड पे फिट हो रही है, तो बस आपके जहन में आंसर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब भी आपके पास हो, आपको इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन देंगे, पेशेंट की वॉमिटिंग, डायरिया की कोई बात है, या बर्न का पेशेंट है, ठीक है, बर्न के पेशेंट में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, या फिर किसी कार्डिक फेलियर या फिर सेप्टिक शॉक या किसी ब्लड लॉस का पेशेंट है, ठीक है, रीनल आर्टिस्टिनोसिस का नॉर्मली वो आपको नहीं देते, तो वो हमेशा आपका दहन फौरी तौर पर प्री रीनल कॉज की तरफ जाए। फिर अगर उन्होंने आपको बता दी कि टैकीकार्डिया और बीपी कम है, तो फिर तो कंफर्म ये प्री रीनल कॉज है, और रीनल डिजीज कैसे है ये तो आपको पता चल जाएगा, जाहिर उसको एडिमा है, क्रिएटिनिन और पोटेशियम ज्यादा है, तो जाहिर रीनल डिजीज होगी। अच्छा, रीनल डिजीज से मतलब है कि एक्यूट किडनी इंजरी होगी, ये नहीं मतलब कि उसका रीनल कॉज होगा। अब अगली चीज पे आ जाते हैं, विच इज एक्यूट किडनी इंजरी सेकेंडरी टू, अब इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद रीनल जो कॉजेज हो सकते हैं, रीनल कॉज का मतलब है कि पीछे भी कोई मसला नहीं, आगे भी कोई मसला नहीं, किडनी की अपनी बीमारी है। किडनी की अपनी बीमारी में हमारे पास 4 क्लासेस आती है, उसके अंदर मल्टीपल डिजीज आती है। सबसे पहली क्लास होती है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये वही वाली जो मैं आपको यहाँ पर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस बता रही थी, और ये जो वाली एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, ये तकरीबन हमेशा ही प्री रीनल कॉज से रीनल कॉज में डेवलप होती है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है अगर बहुत अरसे तक किडनी की परफ्यूजन खराब रहेगी, तो मैंने आपसे कहा कि ATN हो जाएगा या AIN हो जाएगा, ज्यादातर ATN होता है, तो डेफिनेट सी बात है कि अब वो रीनल कॉज बन गई है। पहले वो प्री रीनल थी, पहले उसको परफ्यूजन कम थी, लेकिन अब उस परफ्यूजन ने किडनी के अंदर डैमेज कर दी, तो उसको ATN हो गया, तो ये हो जाती है अब रीनल कॉज। तो बहरहाल हमने लिखना उसमें प्री रीनल ही होता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि रीनल कॉजेज में ATN इज वन ऑफ द थिंग, जो कि सबसे कॉमन जिसमें ये होता है कि प्री रीनल स्टेट की वजह से ATN हो रहा होता है। ATN उसके अलावा कुछ आपकी ऐसी डिजीज है जैसे रेब्डोमायोलाइसिस है या फिर मशरूम की पॉइजनिंग है, उसमें भी हो जाता है, उसे परफ्यूजन में मसला नहीं होता, उसमें डायरेक्ट किडनी डैमेज होती है, जो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं वो किडनी को आगे डैमेज करते हैं, लेकिन वो आपसे कोई पूछता नहीं है नॉर्मली, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगली चीज जो आती है, दैट इज ग्लोमेरुलर कॉजेज। ग्लोमेरुलर कॉजेज भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, इसमें कुछ ऐसे कॉजेज हैं जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट करते हैं, कुछ नेफ्रेटिक की तरह प्रेजेंट करते हैं, इसमें सारे भी मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया, लेकिन ओवरऑल जो आपका अगर कभी भी उन्हें एक्यूट किडनी की सेकेंडरी टू ग्लोमेरुलर डिजीज बतानी होगी ना, तो वो आपको प्रोटीन यूरिया और हेमेचूरिया जरूर बताएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, देख लिया होगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा तो प्रोटीन यूरिया जरूर होता है विद एडिमा, और अगर नेफ्रिटिक होगा तो हेमेचूरिया जरूर होता है विद और विदाउट प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, एजोटीमिया, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर डिजीजेस की ये चीजें हॉलमार्क है, और फिर उसमें वही बात है कि आपके पास जो पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स होंगे वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि मिनिमल चेंज डिजीज में तो पेशेंट को कुछ नहीं होता, लेकिन जिस तरह मैंने कहा था कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्रिटिस होगा तो पुराने गले खराब की हिस्ट्री होगी, IgA नेफ्रोपैथी होगी तो रिसेंट अभी अभी गला खराब चल रहा होगा, इसी तरह अगर उसको कोई होगा रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्रिटिस, उसको हो सकता है गुड पैस्चर्स हो, लंग में भी मसला हो, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी है,
इसके अलावा अगर उसको फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्लेरोसिस होगी तो उसमें सिंपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पिक्चर आएगी और कुछ भी नहीं। अगर उसको SLE की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है तो फिर साथ बॉडी में रैश होगा, अर्थराइटिस होगा और बाकी जो फीचर्स होते हैं SLE के वो भी साथ शामिल होंगे। ठीक है, तो आपने ग्लोमेरुलर डिजीज के पेशेंट के ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है और इनके टेस्ट लिखने होते हैं ताकि आप रूल आउट करें। तो ग्लोमेरुलर डिजीज तो एक मतलब कर सकती है, इनमें से कोई भी ऐसी डिजीज जितनी मैंने नाम लिए सब एक्यूट किडनी इंजरी कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ग्लोमेरुलर डिजीज की वजह से जिसमें रीनल डैमेज हो रहा है। फिर ट्यूबुलर इंटरस्टीशियल डिजीज, ट्यूबुलर इंटरस्टीशियल का मतलब यही है कि आपका जो ट्यूब्यूल्स या फिर इंटरस्टीशियम डैमेज होते हैं और ये सबसे कॉमनली डैमेज होते हैं आपके डिफरेंट ड्रग्स की वजह से। और ड्रग्स में प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स एंड एनसेड्स बहुत कॉमन है क्योंकि ये दो वो ड्रग्स हैं जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल भी होते हैं। ठीक है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स जो आपके मेदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेदे की तेजाबियत को दूर करने के लिए, एसिडिटी को कम करते हैं, एंड एनसेड्स जो आपके पेन किलर के तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों आपकी ट्यूबुलर इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस कर देती है, यही वाला है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस, जिसके रिजल्ट में एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना होता है। और कुछ आपकी और भी डिजीजेस हैं जो आपसे कोई पूछता नहीं, अगर आप चाहें तो देख लें, लेकिन कोई इतनी इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर कुछ वैस्कुलर कॉजेज हैं, वैस्कुलर कॉजेज का मतलब है कि जैसे तो हमने रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की बात की थी ना, वो आपका प्री रीनल में आता था, उसके बाद हो सकता है अंदर रीनल वेनस रीनल वेन ऑक्लूजन होगी हो, या कोई अंदर की वेसल्स में कि किडनी के अंदर जो छोटी स्मॉल वेसल्स है उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट आके फंस गया हो, तो वो सारी बातें हो सकती है किडनी के अंदर डैमेज करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें ना आपको कभी भी मतलब बताने का मकसद है कि आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई सिनेरियो है तो आपको उसकी तरफ गाइड करेंगे वो। और नॉर्मली सिनेरियो रीनल डिजीजेस का आता नहीं है, मतलब एक्यूट किडनी इंजरी सेकेंडरी टू रीनल डिजीज बहुत कम आते हैं, ज्यादातर सेकेंडरी टू प्री रीनल ही आता होता है आपके पास। तो रीनल में क्योंकि चीजें बहुत सारी आ जाती है। अब देखें, अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं कि अगर पेशेंट ग्लोमेरुलर डिजीज का होगा तो उसके प्रेजेंटिंग फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, अब वो तो इतनी सारी ग्लोमेरुलर डिजीज है, उसके हर किसी के प्रेजेंटिंग फीचर अलग अलग है और आपको सारी आती हैं तकरीबन, और उसके लिए फिर हर किसी में टेस्ट्स भी अलग अलग है, इन्वेस्टिगेशन जो कराने वाली है। अगर कोई पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल का होगा तो हमें ASO टाइटर जरूर कराने हैं, लेकिन अगर कोई मिनिमल चेन डिजीज का होगा तो नॉर्मली हम सिर्फ रीनल, बल्कि उसमें जो ड्रग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो तो रीनल बायोप्सी है, लेकिन हम नहीं कराते, हम ऐसे ही पेशेंट को ड्रग दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशंस भी डिफर करती है। इसीलिए ट्यूबुलर इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस का भी पेशेंट होता है उसमें साथ देखना होता है कि फीवर है कि नहीं, रैश है कि नहीं। वैस्कुलर डिसऑर्डर्स का जो पेशेंट होगा, वैस्कुलर डिसऑर्डर्स में अक्सर पेशेंट के साथ पेन होता है, फ्लैंक पेन हो सकता है, बॉडी में नील भी पड़ रहे हो, एक्यूमोसिस हो, क्योंकि कोई ना कोई वैस्कुलर डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद आपके पास जो पोस्ट रीनल कॉजेस आते हैं, पोस्ट रीनल में मतलब है कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे पाथवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो डेफिनेट सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता यूरिन पीछे कलेक्ट होगा, पहले हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, सारा यूरिन कलेक्ट होगा, आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोनेफ्रोसिस में जब प्रेशर किडनी में बढ़ता ही जाएगा तो पहले GFR कम हो जाएगा, GFR कम होगा उसके रिजल्ट में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी किसी ना किसी तरह कोशिश करेगी कि कोई हार्मोन रिलीज करे कि आगे से रास्ता खुल जाए और पीछे से ब्लड सप्लाई उसकी बेहतर हो जाए, लेकिन उसकी वजह से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस डिक्रीज, GFR जो है वो पेशेंट का मजीद बुरा होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की जो किडनी फंक्शन है वो एक्यूट किडनी इंजरी की तरह प्रेजेंट करता है। अब इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रही है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज होती है बहुत कॉमनली कि स्टोन आगे फंस गया जिसके साथ बहुत सिवियर पेन होगी। ऑब्स्ट्रक्शन की दूसरी कॉज होती है इनलार्ज प्रोस्टेट मेल्स में, ठीक है, तो आपने जरूर चेक करना होता है प्रोस्टेट बड़ा हुआ तो नहीं है, फिर कोई पेल्विस में ट्यूमर तो नहीं है, ये तीसरी मेजर कॉज हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, और फिर डेफिनेट सी बात है जो थोड़ी अनकॉमन कॉज है कि सर्वाइकल कार्सिनोमा है या रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस है, वो भी हो सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, के सब कुछ ठीक है, ब्लैडर अपना फंक्शन लूज कर चुका है क्योंकि उसकी जो नर्व सप्लाई है वो खत्म हो गई है, तो अब वो ब्लैडर डिस्टेंड होता जा रहा है, वो आगे नहीं भेज रहा चीजों को, तो उसकी वजह से पीछे सारा यूरिन करेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज करनी होती है वो ये कि इसमें बिल्कुल अलग तरह के सिम्टम्स आएंगे, पेन हो सकती है पेशेंट को बहुत सवेर, हो सकता है उसका यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल फुल हुआ हो, अगर उसके यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर उसके यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसको कॉलिकी नेचर की पेन होगी, किडनीज बायलैटरली पैल्पेबल होंगी क्योंकि इनलार्ज हुई भी होती है ना हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से, और उसके साथ पेशेंट को हो सकता है अगर एक साइड पे तो यूनिलैटरल डिजीज होगी, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है तो भी ब्लैडर पैल्पेबल होगा क्योंकि वो इतना बड़ा होगा, इस वजह से इसकी थोड़ी सी डिफरेंट बिल्कुल चीजें आ जाती हैं और आराम से ये डायग्नोस अलग से हो जाता होता है। तो ये होती है आपकी तीन तरह की जो एक्यूट किडनी इंजरी डेवलप कर सकती है, तीन चीजें, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने बात कर ली। हम देखते हैं कि मोटा सा इन्वेस्टिगेशन क्या है, अगले पार्ट में किसी कोई मसला हुई कि ना। थैंक यू।